Welcome back to Step by Step Study. So guys, how's everybody? Today in this section, we are going to cover the chapter, The Earth and the Universe. This chapter is very important from your exam point of view because as you know, कि यहाँ से बहुत सारे questions जो हैं आपके geography के section में बनते हैं. जो आपका हमारी geography है, वो पूरी Earth और Universe के ऊपर ही based है. तो इसमें से जाहिर सी बात है, बहुत सारे questions जो हैं आपके exams में बनते हैं, ठीक है? कौन कौन से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं? एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, सीबीएस. सो फॉर दिस वीडियो आई हैव रेफर्ड द बुक्स ऑफ एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग, जो कि बहुत ही फेमस बुक है ज्योग्राफी की, यू नो दैट. सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज अर्थ एंड द यूनिवर्स. चलिए शुरू कर. सी, व्हाट इज यूनिवर्स? अब आपसे कोई पूछेगा यूनिवर्स है क्या, आप यहाँ खड़े हैं, आप स्काई है यहाँ पर आपका, स्काई में क्या देखते हो? सबसे पहली बात, आप इस स्काई में देखते हो छोटे छोटे स्टार्स. सो व्हाट यू थिंक, जो ये स्टार्स हैं, ये क्या इतने ही साइज के हैं? कई जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि छोटे छोटे तारे हैं और इसी साइज के हैं, बट नो, दीज स्टार्स आर फार बिगर देन यू थिंक, ठीक है? फार फार बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ, मतलब जो आपकी अर्थ का साइज है, जो आपके जिस अर्थ पे आप रहते हैं, उस अर्थ से भी जो है बिलियन टाइम्स जो है ये स्टार्स आपके बड़े होते हैं, ठीक है? बिलियन मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द साइज ऑफ अर्थ ये जो स्टार्स हैं हो सकते हैं. सो जो ये स्टार्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये देखिए, एक यहाँ पर स्टार है, एक इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, क्या ये स्टार्स इस पैटर्न में होते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं. हमें ये स्टार्स जो है इस पैटर्न में दिखते जरूर हैं जब हम नीचे से देखते हैं, बट ये जो स्टार्स हैं ये क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से आपके क्लस्टर्स होते हैं और इस फॉर्म में, जैसे एक क्लस्टर यहाँ बन गया, ठीक है, एक क्लस्टर आपका इधर बन गया और एक क्लस्टर इधर बन गया आपका, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं आपके स्काई में और उसी फॉर्म में जो है आपके जो है ये स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं. अब इन क्लस्टर्स को हम क्या बोलते हैं? अब क्लस्टर्स को, क्लस्टर ऑफ स्टार्स को हम बोलते हैं गैलेक्सी, ठीक है? गैलेक्सी या फिर हम इसको बोलते हैं नेब्यूला. आपने सुना होगा गैलेक्सी क्या होती है, नेबुला. तो मैं आपको बता दूं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स या फिर क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी, ठीक है? अब एक गैलेक्सी में आपके मिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकते हैं, मतलब 100 मिलियन तक, 100 मिलियंस तक आपके जो है एक गैलेक्सी में स्टार हो सकते हैं. तो ये जो आप अर्थ से स्टार्स देखते हैं, सबसे पहली चीज, ये स्कैटर्ड होते नहीं है. दीज स्टार्स एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ गैलेक्सीज और इन्हीं गैलेक्सीज को, क्लस्टर ऑफ स्टार्स को हम क्लस्टर ऑफ स्टार्स को बोलते हैं गैलेक्सीज या फिर नेब्यूला, ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, अब हमारी अर्थ को भी हम एक स्टार ही बोलते हैं. अब अर्थ किस गैलेक्सी में आपकी एग्जिस्ट करती है? आपकी अर्थ जो है वो एग्जिस्ट करती है मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है? इसी तरीके से एक गैलेक्सी है आपके यूनिवर्स में और इसी में से, मान लो ये हम मिल्की वे गैलेक्सी मान लेते हैं. हो सके तो कहीं नोट्स बनाते रहिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी दूंगी इससे बेस्ड. मिल्की वे गैलेक्सी, ओके? इसी मिल्की वे गैलेक्सी में है आपकी अर्थ जिस समय आप जहां पर रहते हैं, ठीक है? और उसी मिल्की वे गैलेक्सीज में आपके 100,000 मिलियन स्टार्स हैं. सिर्फ एक अर्थ अकेली नहीं है यहाँ पर, इसके साथ में आपके 100,000 मिलियन स्टार्स भी हैं साथ में, ठीक है? जो आपको अर्थ से दिखते हैं. बाकी गैलेक्सीज जो है वो तो हम देख ही नहीं सकते अर्थ से, बाकी तो इतनी दूर दूर हैं गैलेक्सीज. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अर्थ ही एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे जो हैं आपके गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी चीजें जो अभी तक हमने डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है? अब देखिए, अब आपको पता है कि जो सन है, ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, वो भी एक स्टार ही है. जब आपकी सन से अर्थ की तरफ लाइट आती है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो उसको कितना टाइम लगता है? जो सन की जो है लाइट को आपका टाइम लगता है 4-8 मिनट्स, ठीक है? 8 मिनट लगते हैं आपके अर्थ पे रीच करने के लिए. अब देखिए, जो भी आपका सबसे पास वाला स्टार है, सबसे पास वाला स्टार है जो आपका, जो आपको अर्थ से दिखता है, बहुत बड़ा स्टार जो आपको अर्थ से दिखता है, वो कितना टाइम लेता है? उसकी जो स्पीड होती है लाइट की, वो है आपकी 186,000 माइल्स पर सेकेंड, ठीक है? इस स्पीड से जो है आपकी लाइट जो है ट्रेवल करती है वहां उन स्टार से. अब
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्टार्स हैं ये आपको ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं। देखिए, जब आप इन स्टार्स को देखते हैं, आपको ये तो है नहीं कि आपका एटमॉस्फेयर इतना साफ है कि आपको सीधा डायरेक्ट ये स्टार्स दिख जाएंगे। नहीं, जब आप इन स्टार्स को देखेंगे तो बीच में अलग अलग एटमोसफेयर्स आएंगे, अलग अलग टेम्परेचर्स आएंगे, पॉल्यूशन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, अलग अलग लेयर से जो है आपकी लाइट जो है यहाँ पर आपके पास आती है इन स्टार्स के थ्रू। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, जब ये लाइट रिफ्रैक्ट हो के, इस वजह से हमें जो है ये स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे मूव ऑन करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है, साथ में बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, डिस्कस अबाउट द सोलर सिस्टम नाउ। सो एज वी ऑल नो कि आपका सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, देयर इज अ सन, ठीक है, या हम सन बना लेते हैं, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स होते हैं और आपका सन होता है, राइट, जो आपका सोलर सिस्टम होता है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। आपका ये सोलर सिस्टम है, ये हो गए आपके 9 प्लैनेट्स। नो, अब इस सोलर सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहली बात, एक सन होता है, 9 प्लैनेट्स होते हैं, और ये किस वजह से जो है ये एग्जिस्ट करे, ये जो है आपकी कंडेंसेशन ऑफ गैसेस और अदर जो छोटी छोटी बॉडीज के कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता क्या है, एक होता है इवेपोरेशन, वाटर होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। कंडेंसेशन होता है जब इकट्ठे जम के एक पार्टिकल बन जाता है। तो माना जाता है कि जो आपका सोलर सिस्टम है ये कंडेंसेशन ऑफ गैसेस और छोटे छोटे और पार्टिकल्स की कंडेंसेशन की वजह से जो आपके प्लैनेट्स बने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला प्लैनेट होता है मरकरी, देन कम्स वीनस, थर्ड प्लैनेट इज अर्थ जिसमें हम रहते हैं, फोर्थ प्लैनेट इज मार्स, फिफ्थ इज जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। हम सभी जानते हैं जो ये प्लैनेट्स हैं हमारे, ये रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। अब जो ये ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट का मतलब होता है जिस भी पैटर्न में ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ये इनका ऑर्बिट होता है, ठीक है। मरकरी है वो सन का चक्कर लगाएगा, ठीक है। सिमिलरली वीनस जो है आपका ये सन का चक्कर लगाएगा। अब ये जो पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है वही इसका जो है ऑर्बिट कहलाता है। जिस भी पैटर्न में ये मूव करते हैं सन के अराउंड, वो होता है इसका ऑर्बिट। नाउ सन जो है आपका, ये किस वजह से इतना शाइन करता है, ये बताइए, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो द सन, इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, इस वजह से जो है आपका सन बहुत ज्यादा चमकता है, ठीक है। अब सन का सरफेस टेम्परेचर आपसे कई बार पूछा जाता है, सन का सरफेस टेम्परेचर कितना होता है। सरफेस मतलब मान लो हम अर्थ पे हैं, ठीक है, हम इस वक्त अर्थ के सरफेस पे हैं, तो वही हम सन के लिए कंसिडर करेंगे कि सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस, अगर हम फेरेनहाइट में बात करें तो ये होता है 10800 फेरेनहाइट, ओके। नाउ जब ये एक सन है, अब हम अर्थ पे रहते हैं, हमें ये भी पता है कि जब अर्थ को खोदते रहेंगे तो एकदम डीप में अर्थ के पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सन के जो सरफेस है वो इस तरीके से, लेकिन जब हम सन में भी बिल्कुल डाउनवर्ड जाते रहेंगे सन, देखिए ये सन है, ये इसका सरफेस है, अब हम यहाँ पर हैं सन के, ठीक है, यहाँ पर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब हम इनर कोर में जाएंगे सन के, तो वहां पर जो है आपका टेम्परेचर इट इंक्रीजेस टू 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझ सकते हैं कितना गर्म होता है सन, 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जो है इसके कोर में जाने पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट। अब जो हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये इन गैसेस से जो है सन, इन गैसेस की वजह से बहुत ज्यादा आपका जो है गर्म होता है, राइट। सन के ऊपर और भी ज्यादा जो है फियरी गैसेस होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, और आप सोच नहीं सकते सन का जो साइज होता है वो इतना एनॉर्मस होता है। आप मानेंगे इसका साइज जो है 3 लाख टाइम्स, 3 लाख गुना
अर्थ से बड़ा होता है, 3 लाख टाइम्स ग्रेटर देन अर्थ, ठीक है, अर्थ से 3 लाख गुना जो है इसका साइज होता है। चलिए अब पहला प्लैनेट देखते हैं हम, वो है आपका मरकुरी। मरकुरी आपको जैसे कि पता है ये आपके सोलर सिस्टम में, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है आपका, स्मॉलेस्ट प्लैनेट दिस इज मरकरी। ओके, जो मरकरी, अब आपको एक और चीज बता दूं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या होता है आपका, रेवोल्यूशन होता है जितने टाइम पीरियड में एक प्लैनेट अर्थ का, ठीक है, सन का जो है चक्कर लगा लेता है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जो ऑर्बिट है आपका ये सन के अराउंड जो है कितने उसमें कंप्लीट करता है इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब अपने ही एक्सिस पे वो कितने टाइम पे रोटेट कर लेता है उसको बोलते हैं रोटेशन। मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब ये अर्थ की जो रोटेशन होती है उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब ये पूरा चक्कर जो हमारी धरती है वो कितनी देर में लगाती है, सबको पता है 24 घंटे में आपकी अर्थ जो है ये फुल रोटेशन लगा लेती है, मतलब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना। देखिए इस तरीके से रोटेट करेगी, और हमें, मैं आपको बताऊं, एक्सिस जो होते हैं अर्थ के वो होते हैं टिल्टेड, ठीक है। वो ये नहीं आपका बीच में एक्सिस लग गया, नहीं, अर्थ का एक्सिस हमेशा टिल्टेड होता है। तो इस तरीके से ये रोटेट करेगी, जब ये पूरी रोटेशन अपने एक्सिस पे कंप्लीट कर लेगी उसको बोलेंगे रोटेशन, जब ये अपने उसमें घूम लेगी। और जब अर्थ का चक्कर लगा के आएगी, ये सन का चक्कर लगा के आएगी, उसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। अब मरकरी के बारे में बात कर रहे थे, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट टू द सन, ठीक है। और ये कितना माइल्स अवे है, ये 36 मिलियन माइल्स अवे है सन से। तो ये जो ऑर्बिट है, ये अपना ऑर्बिट मतलब सन के अराउंड जो चक्कर है सबसे कम टाइम में ये लगा लेता है, राइट। तो अब ये जो अपना ऑर्बिट है ये कितनी देर में कंप्लीट करता है, ये अपना ऑर्बिट जो है 88 डेज, एक साल जो है मरकरी पे वो 88 डेज का होता है। हम सभी को पता है कि अर्थ का एक साल कब कंप्लीट होता है, 365 डेज में। अब एक साल का मतलब क्या है कि अर्थ ने जो है सूरज का पूरा चक्कर लगा लिया और अब वहीं उसकी पोजीशन पे आके अर्थ बैठ गई है, उसे बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन की वजह से हमारा जो एक रेवोल्यूशन अर्थ पूरा कर लेती है 365 डेज में, तभी हमारा जो है एक साल भी पूरा हो जाता है। सिमिलरली जो मर्क्यूरी है आपका, ये 88 डेज में इसका जो एक साल होता है, मतलब 88 डेज में ये सन का जो है चक्कर लगा के आ जाता है मरकरी, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज वीनस। वीनस को हम जो है अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, और वीनस जो है आपका ट्वाइस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम सन है मरकरी से। जितना मरकरी दूर है उससे दुगनी दूरी पे जो है आपका वीनस है, राइट। नाउ वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं, वो किस लिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है आपसे कि विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन। तो वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन, ओके। अब ये बोला किस लिए जाता है अर्थ का ट्विन है ये, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है, साइज है, मास, वेट एंड डेंसिटी, ये लगभग लगभग जो है, मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल अर्थ के बराबर है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली बहुत ही अर्थ से मिलता जुलता मैच करता है। दैट इज वाई वीनस इज नोन एज अर्थ ट्विन, ओके। लेकिन जो ये अर्थ का ट्विन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्लैनेट पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम में इन 9 प्लैनेट्स में से फिलहाल अभी तक किसी भी प्लैनेट पे जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। मार्स एक ऐसा प्लैनेट जरूर है अर्थ के बाद जहां पर वाटर के ट्रेसेस मिले थे, और जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है, जो आपके मार्स में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ की, कि लाइफ एग्जिस्ट यहाँ पर मार्स में कर सकती है, ओके। अदरवाइज कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है यहाँ पर कि वो जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करे अर्थ की तरह। देखिए मरकरी ऑब्वियस सी बात है वो अर्थ सन के इतना क्लोज है कि वहां तो लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, वहां तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। सिमिलरली वीनस, वीनस सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है सोलर सिस्टम का। वो किस लिए कहा जाता है, बिकॉज जो वीनस के अंदर इतनी गैसेस हैं, इतनी गैसेस हैं और कंबस्चन और इतना सब कुछ हो के वीनस में इतनी गर्मी हो जाती है पैदा कि वहां भी लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करती। बस एक अर्थ ऐसा है आपका प्लैनेट जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली अब ये जो चार है, देखिए
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सब है आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और बाकी जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये आपकी गैशियस प्लैनेट्स हैं। मतलब इन पे तो आपको फिर भी धरती दिखेगी, जो आपको है एक टेरेस्ट्रियल लैंड दिखेगी, लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो पे कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा, आपको गैसेस ही गैसेस दिखेंगी। आप जब इसके अंदर एंटर करेंगे प्लैनेट्स में, वहां पर आपको गैसेस ही गैसेस दिखेंगी। कोई भी आपको एटमोस्फेयर, अर्थ, जिस टेरेस्ट्रियल लैंड कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जो आपका अर्थ है वो कितना दूर है आपका, देखिए पहली चीज, अर्थ की जो एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, एंड दैट इज मून। यू ऑल नो दैट अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, और वो कितना माइल्स दूर है आप अर्थ से, ये है आपका 238,900 माइल्स अवे। जो मून है आपका एक ही प्लान सैटेलाइट है अर्थ की, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ की सैटेलाइट कितनी है, तो एक ही है और नेचुरल सैटेलाइट है ये, एंड दैट इज मून। और अगर मून का डिस्टेंस आपसे पूछा जाए तो इट इज 238,900, 238,900 माइल्स अवे है ये अर्थ से, ठीक है। और ये जो है अर्थ का चक्कर, जो मून होता है, आपको पता है, देखिए हर प्लैनेट की अपनी एक सैटेलाइट होती है, ठीक है। सिमिलर जैसे अब हम हैं, अब यहाँ पर सन है, ये सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है, प्लैनेट सन के अराउंड घूमती है। सिमिलरली अब इन जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स की भी सैटेलाइट होती हैं, मतलब जो कि इनके इर्द गिर्द घूमती है, इनके चक्कर लगाती है। ऐसा नहीं है अर्थ ही सिर्फ चक्कर लगा रही है, अब जो मून है वो भी अर्थ के चक्कर लगा रहा है। सिमिलरली जुपिटर की भी सैटेलाइट्स हैं, वो जुपिटर के चक्कर लगाती हैं। तो बहुत बड़ा आपका यूनिवर्स है, ठीक है। अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट मून है, जो कि अर्थ का एक चक्कर लगाती है। मतलब मून भी जो है, आपने देखा होगा रात में मून आ जाता है, दिन में आप देखते हैं कि कहीं चला गया है, दिन में आपको नहीं दिखता, मूनलाइट रात में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मून का भी यही है कि भाई जब वो चक्कर लगाता है अर्थ का, वो कितने देर में लगाता है, 27 डेज में जो है ये अर्थ का जो है चक्कर रेवोल्यूशन अपना पूरा करता है, ठीक है। अब फोर्थ प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज मार्स। अब मार्स का क्या है आपका, देखा होगा आपने इसमें डार्क पैचेस होते हैं मार्स के सरफेस पे, और बहुत प्रोफेशनल्स और आपके एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते हैं कि ये नेक्स्ट प्लैनेट है अर्थ के बाद जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। वी ऑल नो दैट, ठीक है। यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ वाटर भी मिले थे। जुपिटर, बात आएगी जुपिटर पे। जुपिटर जो है आपका सोलर सिस्टम में लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट प्लैनेट तो डेट इज जुपिटर, और स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो दिस इज मर्करी, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका जुपिटर। अब जो जुपिटर है आपका, इसके पास जो है 12 सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। और ये बहुत सारी गैसेस से बना होता है इसका सरफेस जुपिटर का, और वो गैसेस कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये जो प्रोमिनेंट गैसेस हैं जिससे जुपिटर जो है आपका मेड है, ठीक है। अब जो ये अदर प्लैनेट्स हैं, वो जुपिटर उनसे कैसे अलग है, डिस्टिंग्विश कैसे करता है अपने आप को अलग बाकी प्लैनेट से, वो ऐसे करता है कि इसके आजू बाजू जो है सर्कुलर लाइट और डार्क बैंड्स हैं, ठीक है। जुपिटर के आसपास जो बृहस्पति है आपके, उसके आसपास कुछ बैंड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से जुपिटर के आसपास, और लाइट और डार्क कलर के, और सैटेलाइट्स हैं जुपिटर की 12, ठीक है। अब ये सन से कितना दूर है, वैसे इसका डिस्टेंस पूछा जाए नहीं जाता, बट फिर भी हम डिस्कस करते हैं। जुपिटर जो है आपके सन से, ये है 485 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम सन, 485 मिलियन माइल्स, ठीक है, अवे फ्रॉम दी सन। अब जुपिटर का जो टेम्परेचर है, इट्स वेरी कोल्ड, क्योंकि यू नो इट 485 मिलियन टाइम्स अवे है, ये जो माइल्स अवे है सन से, तो ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा कोल्ड होगा। एंड टेम्परेचर इसका कितना है, जुपिटर का टेम्परेचर है इसका -200 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट, और वी कैन से -130 डिग्री सेल्सियस जो है जुपिटर का टेम्परेचर है, ओके। चलिए अब आगे और डिस्कस करते हैं हम, डिस्कस अबाउट दी प्लैनेट दैट इज सैटर्न। नाउ देखिए सैटर्न जो है आपका, अगर आपसे पूछा जाए, इसके अराउंड जो होते हैं 3 रिंग्स होती हैं, ठीक है, जबकि सैटर्न है ये 3 रिंग्स होती हैं इसके आजू बाजू, उससे ये जो है डिस्टिंग्विश अपने आप को करता है। अब जो सैटर्न है ये सेकेंड लार्जेस्ट
सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका इन सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। पहला जुपिटर है, सेकेंड लार्जेस्ट है आपका सैटर्न, राइट। अब जो ये सैटर्न है आपका, ये कितने दिन में जो है आपका अर्थ का चक्कर लगाता है, ये जो है सन का ये कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, कंप्लीट कितने टाइम में करता है ऑर्बिट को ये, 29.5 ईयर्स। आपसे ये पूछा जा सकता है सैटर्न का ऑर्बिट कितने टाइम का होता है, ये होता है 29.5 ईयर्स में ये सन का जो है चक्कर लगा लेता है, ठीक है। सेवंथ प्लैनेट इज यूरेनस, सैटर्न के बाद आता है आपका यूरेनस। यूरेनस की जो डिस्कवरी थी सबसे पहले कैसे हुई थी ये, इसको 18 सेंचुरी तक तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि यूरेनस भी कोई प्लैनेट है। आफ्टर 18 सेंचुरी, देखिए लेट 18 सेंचुरी में इसकी डिस्कवरी हुई। सबसे पहली बार जो है साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप से देखा, बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप जब बनाए गए थे वहां से जो है आपके उसमें देखा गया एटमोस्फेयर में, वहां से दिखा कि ब्लूइश ग्रीन कलर की एक डिस्क है वो साइंटिस्ट को नजर आई, ठीक है। यूरेनस के केस में ब्लूइश ग्रीन कलर की, ब्लूइश ग्रीन कलर की एक डिस्क नजर आई आसमान में, तो वहां से पहली बार जो है डिस्कवरी हुई आपकी यूरेनस की। और ये जो यूरेनस है ये 50 टाइम्स बड़ा है अर्थ से, अर्थ अर्थ के साइज से 50 टाइम्स बड़ा है यूरेनस, ठीक है, 50 टाइम्स। और कितना हैवी है, और 15 टाइम्स हैवी है अर्थ से, 50 टाइम्स बड़ा है और 15 टाइम्स अर्थ से जो हैवी है, अनलाइक अदर प्लैनेट्स, ठीक है। यूरेनस जो है अपनी बाकी अदर प्लैनेट्स को छोड़ के, जो यूरेनस है आपका जो है अर्थ के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट अपना कंप्लीट करता है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यूरेनस की सैटेलाइट कितनी है, 5 सैटेलाइट जो है यूरेनस के पास है। इट कंटेन्स 5 सैटेलाइट, इट कंसिस्ट ऑफ 5 सैटेलाइट जो कि यूरेनस के आजू बाजू रिवॉल्व करती है। अब आउटर मोस्ट दो प्लैनेट्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स बच गए हैं, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। ये दो प्लैनेट्स हमारे बच गए हैं, ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के। और इनकी जो डिस्कवरी थी ये कैसे हमें पता चला, जब आपका हमने इसमें ग्रेविटेशनल कुछ चेंजेस हमने नोटिस करे, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स जो इनकी नेबरिंग बॉडीज थी, जितने भी नेबरिंग बॉडीज और नेबरिंग प्लैनेट्स थे उस पे हमने कुछ ग्रेविटेशनल चेंजेस देखे नेपच्यून और प्लूटो के आसपास के प्लैनेट से, तो वहां से हमें पता चला कि कोई और भी जो है प्लैनेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्लैनेट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कवर करे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस दिख रहे हैं ग्रेविटेशनल उसमें। तो तब उन्होंने नेपच्यून और प्लूटो की जो है डिस्कवरी करना शुरू करा। नेपच्यून जो है आपका, जो ये यूरेनस से बहुत ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करता है, ठीक है। यूरेनस जो है यूरेनस की हमने सैटेलाइट डिस्कस करी थी, कितनी थी, 3C, ठीक है। लेकिन इसकी जो सैटेलाइट 5 थी यूरेनस की सैटेलाइट, लेकिन जो नेपच्यून की सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर दो ही अभी तक हमें पता है, ठीक है, 2 नोन सैटेलाइट्स। और जो यूरेनस नेपच्यून है ये कंपैरेटिवली कोल्डर है आपके यूरेनस से, राइट। अब देखिए जैसे कि हमें पता है जो आपका ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। सर्कुलर मतलब कि ये नहीं है कि जैसे यहाँ पर एक प्लैनेट है यहाँ पर सन है, ये नहीं है इस तरीके से ऑर्बिट कर जाता है, राउंड तरीके से नहीं करता। हमेशा जो एक प्लैनेट है वो किस तरीके से ऑर्बिट करता है, इलिप्टिकल, ठीक है। इलिप्स जो होता है इस तरीके से वो एक अपना ऑर्बिट पूरा करता है, ना कि इस तरीके से, ठीक है। तो जो आपका प्लूटो है उसका पेरिहीलियन सन से कितना है, पेरिहीलियन होता है पास, ये हम आगे भी यूज करेंगे पेरिहीलियन, इट मींस जो नियरेस्ट डिस्टेंस है सन से, तो पेरिहीलियन मतलब पास का डिस्टेंस, एंड एपिहीलियन होता है दूर का डिस्टेंस, ठीक है। पेरिहीलियन जो है इसका वो है आपका 2766 माइल्स, 2766 माइल्स ये प्लूटो का पेरिहीलियन है जब ये सन से बहुत पास होता है, और जब ये सन से बहुत दूर होता है वो होता है एपिहीलियन, और वो डिस्टेंस है आपका 4566, ठीक है। जो आपका प्लूटो पे एक ईयर होता है, एक ईयर, 1 ईयर प्लूटो पे कितने दिन का होता है, 247, 247, ठीक है, ईयर्स।
अर्थ का एक ईयर 367 डेज का होता है, राइट। लेकिन जो प्लूटो का एक साल माना जाता है, वो अर्थ के 247 ईयर्स के बराबर जो होता है माना जाता है। मतलब अर्थ के 247 ईयर्स जब कंप्लीट होंगे, तब जाके प्लूटो अपना अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। सो आई होप सोलर सिस्टम आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि शेप ऑफ अर्थ कैसी है, शेप ऑफ अर्थ होती कैसी है। देखिए, पुराने टाइम में माना जाता था कि जो सेलर्स जो हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, वो बिलीव करते थे कि जब भी हम जाएंगे, ठीक है, और उसको माना जाता था कि अर्थ एक फ्लैट है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ हम रहते हैं, देखिए हम जहाँ पर अभी फिलहाल रहते हैं, हम आसपास हमें फ्लैट एरिया ही दिखता है, राइट, फ्लैट ही दिखता है, ऐसा तो दिखता नहीं है हमें। लेकिन और पुराने टाइम में भी लोगों को यही लगता था कि हम एक फ्लैट जगह पे रहते हैं, और जब हम चलते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां से जब ये एंड हो जाएगा और हम जो है पानी में गिर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट टाइम जब सेलर्स थे, जब वो निकले अपने ओशन में वॉयज के लिए, तो उन्होंने क्या पाया कि जो अर्थ है हमारी, वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट है, क्योंकि जहां से उन्होंने शुरू किया वो वापस वहीं पर आ गए। अब वो वहां पर कैसे आ गए, अगर फ्लैट होता तो वो गिर जाते कहीं ना कहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि कोई गड्ढा है जहां हम गिर जाएंगे। लेकिन नहीं, वो जब वापस आए, अपना जो फाइनल सेलर्स जो है वॉयज करके आए, तब उनको समझ में आया कि हमारी जो अर्थ है वो स्पेरिकल शेप की है, ठीक है। और जिसका जो इक्विलेटरल सरफेस है वो कितने माइल्स का है, वो है आपका 24897 माइल्स का, और पोलर सर्कमफ्रेंस 83 माइल से भी कम है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखिए अर्थ जो है हमारा एक स्फेरिकल शेप की होती है। स्फेरिकल मतलब उन्होंने देखा कि जो अर्थ है ये एक स्पीयर है, ठीक है, स्पीयर है, और पोल्स पे ना, ये वाले जो पोल्स हैं आपके, यहाँ पर फ्लैट है, ठीक है, नियर मतलब बहुत फ्लैट है अर्थ यहाँ पर। ऐसा नहीं बिल्कुल फ्लैट है, बट पोल्स पे लगभग जो है आपके पोल्स पे फ्लैट है अर्थ का सरफेस। तो जब इन्होंने वॉयज स्टार्ट करा, यहाँ पर एक शिप थी, इन्होंने जाना शुरू करा, ठीक है, यहाँ पर शिप आ गई, अब फिर यहाँ गए, इस तरीके से हमारी जो शिप है, अब वो गिरने की बजाय इस तरीके से यहाँ 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 करके इन्होंने पूरा चक्कर हमारी शिप ने कंप्लीट कर लिया। तब समझ में आया कि हमारी जो अर्थ स्फेरिकल है। इसको क्या भी बोल सकते हैं हम कि जियोइड, GEOID, इसका मतलब है अर्थ शेप्ड, ठीक है, अर्थ शेप्ड। ये आपसे पूछा जा सकते हैं जियोइड क्या होता है, जियोइड का मतलब होता है आपका अर्थ शेप्ड, एक जियोइड शेप का है, ठीक है। अब जियोइड शेप मोर, इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऑरेंज शेप की जो है अर्थ होती है, हमारा ऑरेंज जैसा होता है कि जो ऊपर के पोल्स हैं वहां से थोड़ा फ्लैट होता है, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है हमारी अर्थ, एक जियोइड शेप की है, लाइक एन ऑरेंज, ठीक है। अब जब हमारी ये डिस्कवरी हो गई, सबसे पहली बार ये डिस्कवरी करी कब, ये सबसे पहली बार सर्कम नेविगेशन हुआ था आपका, फर्स्ट वॉयज तो हुई थी, ये करा था किसने, फर्दिनांड मागेलान, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन थे सबसे पहले सेलर, तो ये हैं आपके FERDINAND, फर्दिनांड, MAGE मेगालन, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि आपकी अर्थ जो है स्फेरिकल शेप की, और ये हुआ करता, ये डिस्कवरी कब हुई थी कि अर्थ स्फीयर है, स्फेरिकल है, ना कि स्ट्रेट, या फिर ना ही स्ट्रेट है और ना ही सर्कुलर है, ये आपकी हुई थी 1519 से 1522, इस बीच में इन्होंने अपना वॉयज पूरा करा था, अर्थ का एक चक्कर पूरा लगा लिया था, राइट। तब इनको पता चला था कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, और ऐसा नहीं कि हमारी शिप कहीं गिरेगी। अब दूसरी चीज कैसे पता चली कि हाँ, कि एक्चुअल में जो है आपकी अर्थ जो है ये स्फेरिकल, ये पता चला जब जो आपके सेलर्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, मान लीजिए ये आपकी जो अर्थ है ये अपना वॉयज पूरा कर रही है, यहाँ पर एक शिप है, ये एक शिप है, यहाँ पर एक शिप है, ठीक है, यहाँ पर आप ये लगा लीजिए 1 2 3, तो जब यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट है, यहाँ से जब इस शिप को देखा गया तो शिप का जो आगे वाला पार्ट था सिर्फ वही नजर आया दूर से, ये पूरी की पूरी शिप नजर नहीं आई। तब जाके साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि हाँ, जो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो स्फेरिकल है। अगर स्ट्रेट होता, देखिए अगर ये सरफेस स्ट्रेट होता और यहाँ एक शिप होती और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें पूरी की पूरी शिप नजर आती, लेकिन हमने क्या देखा कि सिर्फ पहले हमें आगे का पार्ट नजर आया, फिर
धीरे 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 करके दूसरा पार्ट नजर आया, फिर तीसरा, फिर सिमिलरली जो दूसरी शिप थी वो हमें नजर आई आगे का पार्ट पे पीछे का। इस तरीके से हमने जो है पता लगाया कि स्फेरिकल शेप का जो है आपका हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ अर्थ जो है कर्व्ड है और ऊपर से कर्व्ड है, अर्थ स्फेरिकल शेप है, ठीक है। सेकेंड चीज जो हमें पता चली वो ये थी, सनराइज और सनसेट के बारे में हम बात करते हैं कि सनराइज एंड सनसेट इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। सेकेंड थिंग इज कि सनराइज एंड सनसेट से भी हमें पता चला कि अर्थ की जो है शेप स्फेरिकल है। वो हमें कैसे पता चला, देखिए, एज वी ऑल नो कि जो हमारा सन है, सनराइज और सनसेट, हम एक इंडिया में रहते हैं, ठीक है। बाकी कोई कहीं रहता होगा, कहीं रहता होगा, कोई वेस्ट में, कोई ईस्ट में, कोई साउथ में, कोई नॉर्थ में। तो हमने क्या देखा उस टाइम पे, जो हमारा सनराइज और सनसेट का टाइम है वो अलग अलग है अलग अलग देशों के लिए, ठीक है। तो वो हमें ये पता है कि जो हमारा डे और नाइट, डे एंड नाइट, ये हमारा कौन वो करता है, किसकी वजह से होता है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है कि डे एंड नाइट अकर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन। अब हमने क्या देखा कि जो रोटेशन है ये अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, कहाँ से कहाँ तक, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे, ठीक है। अगर ऐसा होता कि हमारी, अगर अर्थ जो है वो फ्लैट होती, तो जो सारा का सारा वर्ल्ड है वो सनराइज और जो सनसेट है वो एक ही टाइम पे देखता है, राइट। अगर मान लो फ्लैट है तो सनराइज भी एक टाइम पे होता है और सनसेट भी एक टाइम पे होता है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी यहाँ फ्लैट सरफेस है, कोई भी फ्लैट सरफेस है और यहाँ पर सन है, ये आया सन, हम कहते हैं ना यहाँ सूरज उग गया और सूरज ढल गया। अब सूरज की लाइट आई तो एक ही टाइम पे सारे के सारे जो है इस फ्लैट एरिया पे सनलाइट डे टाइम आपका एक्सपीरियंस करेंगे, और एक ही टाइम पे जब सूरज चला जाएगा तो नाइट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो सन है हमारा, यहाँ पर कुछ कुछ इस एरिया में पहले डे टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ टाइम, यहाँ कुछ टाइम, और ये वाले पार्ट में नाइट हो रही होगी फिलहाल, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से पता लगाया कि हमारी अर्थ जो है स्फेरिकल है, वरना डे और नाइट भी हमारे सेम टाइम पे होते। सेकंड, फिर इनको कैसे पता चला कि हमारे अर्थ स्फेरिकल है, ये इनको पता चला जब हमारा लूनर इक्लिप्स होता है। लूनर इक्लिप्स क्या होता है, जब हमें मून नहीं दिखता है ना, मून नहीं दिखता, तो उस टाइम पे हमारा लूनर एक्लिप्स हो जाता है। अब लूनर एक्लिप्स में क्या देखा हमने कि जो अर्थ ने अपनी शेडो कास्ट करती है, व्हेन अर्थ कास्ट इज शेडो ऑन द मून, दैट इज नोन एज लूनर एक्लिप्स, ठीक है। अब जब मून के ऊपर अर्थ ने अपनी शेडो कास्ट करी तो उन्होंने देखा इट इज इन स्फेरिकल फॉर्म, एक स्फेरिकल फॉर्म में ये जो शेडो कास्ट करी मून के ऊपर अर्थ ने, तब पता चला कि अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। सेकेंड थिंग, फिर और कैसे हमें पता चला कि अर्थ स्फेरिकल है, प्लैनेटरी बॉडीज जो होती है हमारी, और भी जब हमने प्लैनेट्स देखे, जब हमने अर्थ से बाकी सैटेलाइट्स को देखा, बाकी प्लैनेट्स को देखा, तो हमने देखा कि वो भी जो है स्फेरिकल शेप में है। तब जब बाकी सारी स्फेरिकल शेप में, तो एक ये एनालॉगी बाय एनालॉगी हम कह सकते हैं भाई कि अर्थ कोई हमारी एक्सेप्शन तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है अर्थ भी जो है हमारी स्फेरिकल ही होगी। फिर एक हमने जो है एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर अर्थ है, दूर दूर हमने पोल्स गाड़ दिए, ठीक है, पोल्स डंडे गाड़ दिए। अब उस पोल्स में हमने क्या देखा कि एक ही साइज के पोल्स हमने अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गाड़े, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हमने वो पोल्स जो है गाड़ दिए। अब जब हमने उन पोल्स को जब इस तरीके से मेजर करा, इस तरीके से, तो हमने क्या देखा, कहीं तो ये पोल्स ऊपर है, कहीं ये पोल्स नीचे हैं, एक स्ट्रेट जो है लाइन हमें नहीं मिली इन पोल्स को ज्वाइन करके। तब हमें पता चला कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। फिर बाकी जो एरियल फोटोग्राफ्स थी, जब हमने स्काई में जाके, यूनिवर्स में जाके हमारे अर्थ की फोटोज ली, तब हमें पता चला कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। तो इतने सारे एविडेंस की वजह से हमें ये सब पता चला। अब डिस्कस करते हैं अर्थ की मोमेंट कैसे होती है और हाउ इट इम्पैक्ट्स आर डेज एंड नाइट, अर्थ की रेवोल्यूशन डिस्कस करते हैं और लेंथ ऑफ डेज नाइट्स, ये सब डिस्कस करते हैं आप, ठीक है। डिस्कस अबाउट दी रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, कैसे कैसे रोटेशन, कैसे कैसे रेवोल्यूशन जो है आपकी डे एंड नाइट और सीजन्स को अफेक्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ से, एंड प्लीज डोंट माइंड मेरा डायग्राम जैसा भी हो,
अब ये हमारी जो है अर्थ है, ठीक है, ये आपके अर्थ के एक्सिस हैं, एज यू ऑल नो कि टिल्टेड होते हैं एक्सिस, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट। पहले क्या माना जाता था कि लोग कहते थे कि यार सूरज उग गया और सूरज ढल गया, बट किसी ने भी ये नहीं देखा कि ना ही सूरज ढलता है और ना ही उगता है, सन इज ऑलवेज स्टेशनरी, वो एक ही जगह पे रहता है। ये हमारी अर्थ है जो रिवॉल्व करती है एंड रोटेट करती है, जिसकी वजह से हम डे एंड नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब ये रोटेशन कैसे करती है, इस रोटेशन होती है हमारे अर्थ की वेस्ट टू ईस्ट, मतलब कि जब ये अर्थ घूमना शुरू करती है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये मूव करती है। अब क्या होगा कि यहाँ से लाइट आई, सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट को आपका लाइट मिली, ठीक है, इस पार्ट को लाइट मिली, फिर ये कुछ कुछ इस तरीके से घूमना शुरू करा, तो जो ये पार्ट था ये यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस पार्ट में लाइट आई, फिर कुछ पार्ट ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस तरीके से ये रोटेशन जब कंप्लीट करेगी तो पूरा जो भी अर्थ के सरफेस पे, पूरे सरफेस पे सभी एरियाज को एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में लाइट मिलेगी। तो जिस पर्टिकुलर टाइम में उन एरियाज को लाइट मिलती है उसी टाइम पे वहां पर दिन हो जाता है और कई जगह पे रात हो जाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लाइट आ रही, तो इस पार्ट में डे होगा, ठीक है, यहाँ डे होगा और यहाँ पर नाइट होगी वेस्ट में। अब जब अर्थ रोटेट करेगी यहाँ से इधर आए हम, तो यहाँ से डायरेक्ट सनरेज नहीं मिलेंगी, यहाँ यहाँ तक मान लो एक पॉइंट ये है, रोटेशन के बाद ये यहाँ आ गया, फिर हमारे रेज ऐसी आई, फिर यहाँ आफ्टरनून हो जाएगा, फिर ये यहाँ पर रेज आई, इधर इवनिंग हो जाएगी, फिर ये इधर आ गया एक्सिस से, होता मतलब हमारे पार्ट, फिर हमने नाइट एक्सपीरियंस करी। सिमिलरली इसी तरीके से अर्थ रोटेट करती रहती है और जो जो पार्ट हमारा अर्थ सन के आगे आता रहता है वो डे एक्सपीरियंस करता है और बाकी पार्ट जो है नाइट एक्सपीरियंस करते हैं। सो हमने यहाँ से क्या क्या देखना है, सबसे पहली चीज कि जो हमारी रोटेशन है 24 आवर्स में जो है कंप्लीट होती है, एक्सिस वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है हमारी अर्थ, और इसकी वजह से चेंजेस कहाँ होते हैं, रोटेशन की वजह से, रोटेशन अपने एक्सिस पे होती है, रोटेशन की वजह से चेंजेस होते हैं हमारे डे एंड नाइट में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हमारी जो रेवोल्यूशन है अर्थ, हमारी रेवोल्यूशन 365 1/4 डेज में कंप्लीट करती है रेवोल्यूशन, मतलब जब वो सन के अराउंड एक चक्कर काट आती है, ठीक है, लेकिन हम लेते हैं 365 है क्योंकि ये जो 1/4 डेज है हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं जिस, और हम लेते हैं इसको 365 ताकि जो है हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, ठीक है। कोई ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में जो रेवोल्यूशन है उसका टाइम कितना है, दैट इज 365 1/4 डेज, बट वी टेक इट 364 डेज, ओके। अब बात करते हैं अर्थ की रेवोल्यूशन की। अब रेवोल्यूशन से क्या होता है, हमने देख लिया रोटेशन से तो हमारा हो गया डे एंड नाइट, अब रेवोल्यूशन से क्या होगा, रेवोल्यूशन मतलब हमारी जो अर्थ है ये एक इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट सन के अराउंड फॉलो करेगी, यहाँ से इस तरीके से पूरा जो है घूम के सन के वापस आ जाएगी अपनी अर्थ अपने ऑर्बिट में, ठीक है। अब इसी रेवोल्यूशन को बोलते हैं हम, इसी पूरे चक्कर को जो अर्थ के सन के अराउंड मारती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, और ये 365 1/4 डेज में पूरा कर लेती है। अब जो स्पीड होती है, अब पहले आपको बता दूं कि जो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलती है, इलिप्स में, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, अराउंड द सन इलिप्स, और स्पीड कितनी होती है जब ये अर्थ की रेवोल्यूशन के टाइम में जब ये एक चक्कर लगाती है सन के अराउंड, इस अर्थ की स्पीड होती है 18.5 माइल्स पर सेकंड, ठीक है। आपको तो बैठे बैठे पता भी नहीं चलता होगा कि इतनी तेजी से अर्थ जो आपकी घूम रही है, या फिर आप कह सकते हैं 66,600 मीटर पर आवर, ठीक है, ये होती है आपकी क्या कहते हैं रेवोल्यूशन का, रेवोल्यूशन की स्पीड। अब देखिए जो आपका नॉर्मल ईयर होता है अर्थ पे, एक नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, वी ऑल नो, और एंड लीप ईयर की अगर हम बात करें तो वो होता है 366 डेज का, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेज एंड नाइट, ठीक है, डेज एंड नाइट जो इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए आपको भी पता है जब हम एक अर्थ बनाते हैं सबसे पहले हमने क्या बनाई, एक अर्थ, राइट, जो एक्सिस होते हैं हमारे ये टिल्टेड होते हैं, ये नहीं है हमारे की बेस से
हमारे इस फ्लैट से ये परपेंडिकुलर होंगे। अगर परपेंडिकुलर होंगे, अगर देखिए इस तरीके से टिल्टेड होता है एक्सिस हमारा, ठीक है, अर्थ का, ये 66 एंड हाफ डिग्री पे जो है ये टिल्ट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हमारी ये परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस, तो जो हमारे डे होता है और नाइट होता है वो बराबर होते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वुड हैव बीन इक्वल, बट इस टिल्ट की वजह से ही हमारा जो डे और नाइट की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, समर्स में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे डेज हैं वो बड़े होते हैं, और विंटर्स में हम क्या देखते हैं, दिन जो है हमारे छोटे होने शुरू हो जाते हैं। वो किस वजह से, देखिए यहाँ पर हमारा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और यहाँ होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये अर्थ है, जब ये रोटेट करेगी सन के अराउंड में, तब हम क्या देखते हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब हम विंटर्स हो जाते हैं, विंटर्स कब होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और मैं बता दूं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका और क्या आता है, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल जो है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका आता है एंटार्क्टिका, एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये आता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। जब आपकी ये रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम विंटर एक्सपीरियंस करते हैं, हम जितना जितना नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, जितना जितना हम नॉर्थ की उसमें जाएंगे विंटर्स में, तो हम क्या देखते हैं, जो आर्कटिक सर्कल है हमारा, आर्कटिक सर्कल होता है आपका 66 एंड अ हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और सिमिलरली हमारा एंटार्क्टिक सर्कल होता है 66 एंड ए हाफ डिग्री साउथ। अब हम क्या देखते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जब हम सर्दियों में नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं जो डार्कनेस है, ठीक है, जो नाइट की लेंथ है वो बढ़ती जाती है, और क्या देखते हैं हम, जो हमारा आर्कटिक सर्कल है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर क्या होता है, आपका आर्कटिक सर्कल पे पूरा दिन ही जो है सूरज नहीं निकलता, हम पूरा दिन क्या देखते हैं कि जो है आपका सन नहीं निकला है, फॉर द होल डे देयर इज डार्कनेस ऑन आर्कटिक सर्कल ऑन 22 दिसंबर, ठीक है। और जैसे ही हम दूर दूर चले जाते हैं, आर्कटिक सर्कल से नीचे आने लग जाते हैं हम, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि डे छोटे नाइट बड़ी विंटर्स में। सिमिलरली हमारा आर्कटिक सर्कल पे ये हमारा विंटर सोलस्टाइस होता है, और हम समर सोलस्टाइस कब एक्सपीरियंस करते हैं, ये एक्सपीरियंस करते हैं 21 जून, 21 जून को हम समर सोलस्टाइस हम जो है एक्सपीरियंस करते हैं। और आर्कटिक सर्कल पे हम 21 जून को क्या देखते हैं, 21 जून को हम देखते हैं कि हमारा सन जो है सेट ही नहीं होता, पूरा दिन जो है आर्कटिक सर्कल पे सन रहता है, पूरा टाइम जो है डेलाइट होती है, वो होती है कब, 21 जून को, और 22 दिसंबर को हम देखते हैं वहां पर पूरा डार्कनेस रहती है आर्कटिक सर्कल पे, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल है उसपे 6 मंथ के लिए कॉन्टिन्यूअस डेलाइट होती है, और साउथ पोल पे कॉन्टिन्यूअस 6 मंथ के लिए हमारी जो है रात होती है। तो जैसे हम हेमिस्फीयर्स डिस्कस करते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि 6 मंथ के लिए कौन सा हेमिस्फीयर, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या चीज है जो हमारा वो एक्सपीरियंस करते हैं 6 मंथ के लिए नाइट एंड डे, और ये भी पूछा जा सकता है कब, तो देखिए विंटर्स में जो है आपका विंटर्स में 6 मंथ के लिए जो आपका नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो जो है डार्कनेस एक्सपीरियंस करता है, और जो आपका समर्स है उसमें ये 6 महीने के लिए आपका जो वो लाइट जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ओके, डे लाइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिए इसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को कौन सा इक्विनॉक्स होता है। देखिए यहाँ मैं आपके 4 क्वेश्चंस लिख देती हूँ, आपके जो इस यहाँ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च 21 को स्प्रिंग इक्विनॉक्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब ये स्प्रिंग टाइम में इक्विनॉक्स, मतलब जब डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल, ठीक है, जब जो आपकी सूरज की किरणें हैं,
वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं, तो हमारा इक्विनॉक्स का जो है इक्विनॉक्स का प्रोसेस जो है वो होता है, और इक्विनॉक्स का मतलब है डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है आपका मार्च 21, देन जून 21। जून 21 में आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, ये आपका होता है समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस, और इसका मतलब है कि दिन बड़े और रात छोटी होती है जून 21 को, ठीक है। दिसंबर 22 में, दिसंबर 22 से क्या हो जाता है, दिन बड़े और रात छोटी होने लग जाती है, ठीक है। दिसंबर 22 को ऐसा होता है, ये होती है विंटर सोलिस्टाइस। विंटर सोलिस्टाइस, डे बड़ा रात छोटी। एंड आपका 23rd सितंबर, 23rd सितंबर यू एक्सपीरियंस ऑटम इक्विनॉक्स। ऑटम इक्विनॉक्स, और इसमें क्या होता है आपका डे एंड नाइट आपका बराबर। देखिए आप दो तरीके के, दो टाइम पे साल में 2 बार आप इक्विनॉक्स एक्सपीरियंस करते हैं, और वो कब कब, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड एन ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है आपका मार्च 21, एंड ऑटम इक्विनॉक्स आपका आता है सितंबर 23, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल। सिमिलरली दो टाइम में आप सोलस्टाइस एक्सपीरियंस करते हैं, एंड सोलस्टाइस कब एक्सपीरियंस करते हो, एक तो समर में और एक विंटर्स में। समर में 21 जून को और विंटर्स में 22 दिसंबर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल में क्या होता है, किस टाइम पे जो है पूरा दिन, जो दिन निकला रहता है, किस टाइम में पूरी रात हो ही रहती है एक दिन में, तो इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम प्रोसेस जो है आपका एक्सपीरियंस होता है, और वहां पर भी सेम जो प्रोसेस चलता है, बट कुछ पैरामीटर्स जो है कंडीशंस अलग हो जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि हमारा जो है, सो नाउ लेट्स मेक अ अर्थ कि कैसे कैसे आपके और जो है आपके सोलस्टाइस सब एक्सपीरियंस करते हैं। देखिए यहाँ हमने एक अर्थ बनाई, ठीक है। यू नो द सेंटर पार्ट इज नोन एज इक्वेटर। इक्वेटर से जब हमने हमने क्या देखा था, ये होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा आर्कटिक सर्कल होता है, और आर्कटिक की लेंथ क्या होती है आपकी 66.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर हमारा आर्कटिक है, ये है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली एंटार्कटिक जो है आपका, ये किस पे होता है आपका 66.5 डिग्री साउथ पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है आपका, वो इसके हाफ पे होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है आपका, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है ये कितने पे बनता है, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। 66.5 डिग्री साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल होता है, एंटार्क्टिक सर्कल, एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आर्कटिक सर्कल होता है। देखिए अब हम साल में जो है क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हमारे एक्सिस होते हैं, जब भी हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड पे, तो हमारे एक्सिस इंक्लाइंड होते हैं, टिल्टेड होते हैं 66.5 डिग्री टू प्लेन ऑफ इलिप्टिकल इलिप्टिक, ठीक है। जब सन हमारा ऐसा साल में 2 टाइम आता है कि इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, जो कि हमने डिस्कस करा था कब कब, एक तो मार्च 21 और एक होता है हमारा 22 सितंबर, ठीक है। सन ऐसा 2 दिनों में होता है, जो 2 दिन जब बिल्कुल ही इक्वेटर के ऊपर जो है हमारा सन होता है, ठीक है। ऐसा 2 दिन होते हैं जब इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर सन होता है, और इस टाइम में होता है हमारा इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की कंडीशन कब बनती है, जब सन जो है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है। एक तो 21 मार्च को, एक 21 सितंबर को। एक में हम एक्सपीरियंस करते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, और एक बार हम एक्सपीरियंस करते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, राइट। अब जब मार्च के बाद होता है हमारा सन, क्या करता है कि मार्च में हमने क्या एक्सपीरियंस किया था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब मार्च के बाद सन जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाता है, ठीक है।
मार्स के बाद जो हम हमारा सन है वो आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब जब जिस दिन वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट उसकी जो गर्मी जो है रेज उसकी डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ेंगी, 23 डिग्री नॉर्थ के ऊपर पड़ेंगी, तब हम एक्सपीरियंस करेंगे जून, ठीक है, या फिर समर सोल्स्टिस, इसको बोलेंगे 21 जून को समर सोल्स्टिस एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। विंटर्स में हमारा क्या होगा कि जब हमारा सन विंटर्स में क्या करता है, 22 दिसंबर को हमारा सन जो है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर होता है। ये जो हमारा सन है उसकी रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ती हैं, 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ती हैं डायरेक्ट, तब हम एक्सपीरियंस करते हैं विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। इस दिन क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जब हम आर्कटिक और एंटार्कटिक, देखिए आर्कटिक सर्कल हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है और एंटार्कटिक है 66.5 डिग्री साउथ में। अब ये नहीं है कि मैंने बताया कि सन जब यहाँ पर होता है डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे तो उस 21 जून में हम समर सोल्स्टिस एक्सपीरियंस करते हैं, ये मतलब नहीं कि सन उठ के यहाँ पर आ गया, लेकिन जब हमारी सन जो अर्थ है वो रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड पे, तो इस तरीके से अर्थ जो है रेवोल्यूशन करेगी कि पहले ये पाला पार्ट आएगा, फिर इस तरीके से वो रिवॉल्व करती हुई सन के आगे पार्ट आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जब आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल एज यू नो कि 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे बनते हैं, अब जब हम इसके बियॉन्ड जाएंगे, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके बियॉन्ड जाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, 6 महीने वहां सर्दी होगी और 6 महीने वहां पर गर्मी होगी। फॉर एग्जाम्पल समर्स में 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा दिन निकला रहेगा बिल्कुल एक्सट्रीम पे जब हम जाएंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर में उन 6 महीनों में बिल्कुल रात होगी, ठीक है। लेकिन जब हमारा चेंज होगा सीजन, तब हम क्या देखेंगे, जब विंटर्स आएंगी तो हमारा सदर्न, जब समर विंटर्स आएंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर पे हमारा सन निकला रहेगा 6 महीने और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल रात होगी 6 महीने के लिए, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रही थी आपसे कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं डॉन और ट्वाइलाइट। आपने डॉन भी सुना होगा, ट्वाइलाइट क्या होता है, ये डॉन DAWN, इसका ऑपोजिट डस्क आपने सुना होगा, है ना, अदरवाइज इसका ऑपोजिट हो जाता है आपका ट्वाइलाइट। क्या होता है डॉन, देखिए जिस टाइम पे आपका सन जो है निकल रहा होता है, सनराइज हो रहा होता है, टिल द टाइम कि वो अच्छे से उग चुका होता है और आपके अच्छे से रोशनी फैला दी होती है उसने, उस पीरियड को बोलते हैं हम डॉन। और डॉन का पीरियड होता कब है, 4 AM से लेकर हम जब तक अच्छे से उजाला हो जाता है आपका, उस पीरियड को बोलते हैं डॉन, ठीक है, सुबह का टाइम 4, 5, 6, 7 बजे तक हम इसको कंसिडर करते हैं। अब ट्वाइलाइट क्या होता है आपका, ट्वाइलाइट ये पीरियड होता है जब आपका सनसेट करना शुरू करता है, ठीक है। सनसेट हुआ गर्मियों में आपको भी पता है कि 6:30-7 बजे तक सनसेट होता है, उसके बाद जब सनसेट होना शुरू होता है धीरे, आपने देखा होगा पूरी तरफ रेड रेड आ जाता है, एंड देन जब तक डार्कनेस हो जाती है, पूरी डार्क जब तक हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ट्वेलाइट, ट्वाइलाइट, ठीक है। अब ये जो इस डॉन और ट्वाइलाइट में जो अर्थ होती है हमारी, वो कैसे हमारी जो है रेज को रिसीव करती है, सन की जो रेज होती है वो रिफ्रैक्टेड या फिर डिफ्यूज रेज जो है हमारे पास पहुंचती है सन की, ठीक है। इस वजह से हमें वो जो रेड रेड लाइट दिखती है, स्कैटर्ड लाइट दिखती है पूरे आसमान में, और सुबह सुबह भी हम जो है सूरज उगने से पहले हम रेड लाइट देखते हैं पूरे आसमान में फैली होती है, वो हम देखते हैं डिफ्यूज लाइट या फिर स्कैटर्ड लाइट या फिर रिफ्रेक्टेड लाइट जो हमें वो दिखती है सन की। इस वजह से डॉन और ट्वाइलाइट में हम ये देखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको पता होगा, बट लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ, ठीक है। देखिए यू नो दिस इज आर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, थोड़े से और बड़े बना लेते हैं, ये हमने हमारी जो है अर्थ ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब लैटिट्यूड क्या होता है, बीच में आपका क्या होता है आपको पता है, इक्वेटर, ठीक है। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। सो
सो लेट्स डिस्कस अबाउट लैटिट्यूड. लैटिट्यूड होता है आपका द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस मेजर इन डिग्रीज फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ. देखिए ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है इक्वेटर. लैटिट्यूड होते हैं पैरेलल लाइंस जो आपके सेंटर ऑफ अर्थ से चलती हैं, मतलब इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस चलती हैं ये हम बनाते हैं इस तरीके से, लेकिन इतना ज्यादा इसमें ये नहीं होता, ये लगभग पैरेलल ही दिखती हैं. ठीक है, ये इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस चलती हैं इस तरीके से, ये होता है आपका लैटिट्यूड. अब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो ये जो लैटिट्यूड वाली लाइंस है ये आपकी छोटी होती जाएंगी. एंड दीज, लेट मी टेल यू, ऐसे नहीं कि अर्थ पे ये लाइंस बनी हुई हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ठीक है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, नॉट द लाइंस जो कि एग्जिस्ट करती हैं एक्चुअल में अर्थ में. ये हम अपना किस लिए यूज करते हैं, मेजर करने के लिए कि डिस्टेंस प्लस जो आपका टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे होता है. लेट मी टेल यू 0 डिग्री. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका, ये जो दोनों पोल्स के बीच में जो आपकी लाइंस आती हैं ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड. ठीक है, देखिए इसे बोलेंगे आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. और इसी तरीके से ये भी आपका जो है एरिया इसका भी कम होता जाता है. ठीक है, आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो इसका भी एरिया जो है आपका कम होता जाएगा और इस वाटरमेलन की तरह हम बना देंगे इस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को भी. तो ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को भी कैलकुलेट करने में आपके काम आती है, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है. कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उनको लगता है ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है. नहीं, ये लैटिट्यूड होता है जो पैरेलल चलता है इक्वेटर के, और ये लॉन्गिट्यूड है जो नॉर्थ साउथ पोल के बीच में होता है. ठीक है, अब हमने क्या देखा कि जो आपका इक्वेटर है ये 0 डिग्री होता है और जो आपका नॉर्थ पोल है ये होता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल जो है आपका ये होता है 90 डिग्री साउथ पे. राइट, देन लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं आपकी, दो जो प्रोमिनेंट लाइंस इंपॉर्टेंट लाइंस जिनको हम कंसिडर करते हैं वो क्या क्या होती हैं आपकी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या था ये, एंड 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सिमिलरली 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ में, ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं. ठीक है, और ये क्या था, एक आर्कटिक सर्कल और एक एंटार्कटिक सर्कल, ये हमने डिस्कस किया था. राइट, अब इन जो पॉइंट्स में, दो पॉइंट्स जो है लैटिट्यूडनल पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया एक पॉइंट ये होगा, इसमें हम 1 डिग्री का डिफरेंस लेते हैं. 1 डिग्री, ओके, 1 डिग्री का हम इसमें जो है डिफरेंस लेंगे. तो ये थी आपकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि दो पैरेलल्स के बीच में जो है आपका डिफरेंस कितने का होता है, कितने डिग्री का हम लेते हैं, वो लेते हैं 1 डिग्री. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, और लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कैसा होता है ये पूछा जा सकता है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है. बाकी आगे देखते हैं हमारा कि लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो क्या होता है. लॉन्गिट्यूड है आपका एंगुलर डिस्टेंस मेजर इन डिग्रीज अलोंग इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट. ठीक है, ये इक्वेटर के अलोंग ही मेजर करा जाता है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से ये मेजर किया जाता है आपका लॉन्गिट्यूड. ठीक है, सो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड. तो लॉन्गिट्यूड जो है आपका, अनलाइक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो आपने देख ली है कि आपके इक्वेटर्स के पैरेलल होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड जो है ये एंगुलर डिस्टेंस होता है मेजर इन डिग्रीज अलोंग इक्वेटर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ये मेजर होते हैं. ठीक है, हमने क्या देखा था, ईस्ट, सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अब हमने क्या देखा उस टाइम पे कि इन लाइंस को हम बोलते हैं मेरिडियंस भी. ठीक है, लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियंस भी बोल सकते हैं, मेरिडियन भी इनको बोला जाता है. अब इक्वेटर पे हमने देख लिया कि लैटिट्यूड जो है वो तो इक्वेटर के पैरेलल हो गए, लेकिन लॉन्गिट्यूडल लाइंस को भी तो मेजर करने के लिए हमें कुछ चाहिए था. कि अब इक्वेटर को हमने 0 डिग्री ले लिया, उसके हिसाब से हमने ऊपर 0 डिग्री,
से लेकर अब एक एक जैसे हमने वो बनाया लैटिट्यूड, तो एक एक डिग्री का इंक्रीज होता गया। यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ ले लिया, यहाँ 90 डिग्री साउथ ले लिया। अब ये एक बेस पॉइंट हमने लैटिट्यूड को कैलकुलेट करके ये सब तो बना लिया, लेकिन लॉन्गिट्यूड को भी कैलकुलेशन के लिए कुछ होना चाहिए था ना। ये थोड़ी है कि हम कितनी भी लाइंस यहाँ बना देंगे, कोई बेस तो होना चाहिए। तो हमने 1884 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत क्या डिसाइड किया कि हम एक जीरो मेरिडियन वाला एरिया जो है हम कंसिडर करेंगे। और वो कहाँ से, ग्रीनविच, आपने सुना होगा ग्रीनविच। ग्रीनविच को हमने जीरो मेरिडियन जो है, जीरो डिग्री जीरो मेरिडियन वाला एरिया हमने कंसिडर किया, ठीक है, और जिसको हमने बोला प्राइम मेरिडियन। और ये है कहाँ पर, ग्रीनविच। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइम मेरिडियन किसको बोला जाता है। ये है आपका प्राइम मेरिडियन, ये एक बेस लाइन है लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करने के लिए, आगे टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, नियर लंडन, ठीक है। इन्होंने क्या कंसिडर करा है इसको, जीरो डिग्री हमने इसको कंसिडर करा है, जीरो मेरिडियन, ठीक है। अब क्या है, दिस इज प्राइम मेरिडियन फ्रॉम विच ऑल द अदर मेरिडियन रेडिएट्स ईस्टवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स अप टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, लैटिट्यूड्स जब बने थे तो आपको भी पता है, अब ये जैसे आपका ये लैटिट्यूड है, ये 180 डिग्री का होता है ना, ये 180 डिग्री है, तो इधर भी आपका 180 डिग्री होगा, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर भी हमें कुछ कंसिडर करने के लिए चाहिए था, तो हमने क्या ले लिया इसको, जीरो डिग्री, जीरो मेरिडियन, यहाँ वो डिग्रीज में था, ये मेरिडियंस में है, ये हमने जीरो मेरिडियन ले लिया, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर एक्सटेंड करेगा ईस्टवर्ड्स और यहाँ पर एक्सटेंड करेगा वेस्टवर्ड्स। जैसे हमने बताया था कि हम वाटरमेलन शेप में करेंगे, ये ईस्टवर्ड्स एक्सटेंड हुआ, इस तरीके से एक्सटेंड होता गया। और यहाँ पर हमने ये वेस्टवर्ड्स ये आता गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो है पोल्स की तरफ जो है ये लाइंस कन्वर्ज करना शुरू कर गई, ठीक है। अब हमें पता है जो अर्थ का स्फेरिकल, अर्थ स्फेरिकल फॉर्म की होती है, और जो सर्कमफ्रेंस है अर्थ का सर्कमफ्रेंस है जो आपका, ये है आपका 25,000 माइल्स, 25,000 माइल्स का। अब यहाँ पर तो हमने 1 डिग्री का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये 1 डिग्री कैसे है, क्या क्या किस लिए बना, वो सब कैलकुलेट कर लिया था कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा ये 1 डिग्री का होगा। 180 डिग्रीज हमने यहाँ पर एक टोटल वो बना लिया था, 180 डिग्रीज में हमने ये वन एक एक उसके बीच का डिस्टेंस हमने 1 डिग्री कैलकुलेट कर लिया था, एक एक लैटिट्यूडल लाइन के बीच में, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के बीच में हमने कैसे करा है इसको कैलकुलेट, देखिए सर्कमफ्रेंस था अर्थ का 25,000, एज यू ऑल नो, ठीक है। जो अर्थ है वो एक जो इसका लीनियर डिस्टेंस होता है वो कितने डिग्रीज का होता है, 360 डिग्रीज का, राइट। ये 360 डिग्रीज का होता है जो अर्थ होता है, या फिर कोई भी सर्कल जो आपका होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। और हमने क्या देखा, जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस 2πr, ये है आपका 25,000। अब हमने इससे क्या किया, 25,000 को 360 डिग्री से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो आपका एक एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकल के आया, वो आया आपका निकल के 69.1 माइल्स का, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करने पे 69.1 माइल्स का जो है आपका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल के आया, मतलब दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच का डिस्टेंस है आपका 69.1 माइल्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या बोलते हैं कि जो आपके मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं, ये पोल्स पे जाके आपका कन्वर्ज कर जाएंगी, ठीक है। अब ये पोल्स पे गई तो ये कन्वर्ज कर गई, एक साथ जाके पोल्स पे ये कन्वर्ज कर गई, ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। 25 डिग्री पे आपका 62.73, ठीक है, माइल्स। 45 पे 49 माइल्स, 75 डिग्री पे 18 माइल्स, और पोल्स पे 0 माइल ये हो जाता है, ओके। इस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन करी। देखिए अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो आपका टाइम है वो किस हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं और आपको लंदन का टाइम देखना है कि लंदन में कितना टाइम है, हम कैसे कैलकुलेट करें। अभी यहाँ पर मान लो 3 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, हम लंदन में कैसे डिसाइड करेंगे वो वहां का टाइम क्या है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन से आपका आप देख सकते हैं ये लैटिट्यूडनल। तो मैं आपको बताती हूँ, जब हम टाइम को मेजर करते हैं किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का, तो वो हम लेते हैं ग्रीनविच से, ठीक है। ग्रीनविच जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जो कि प्राइम मेरिडियन है,
या लंदन, वहां से हम मेजर करते हैं, तो जो आपका टाइम है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन से हमारा मेजर होता है। वो कैसे होता है, लेट्स सी। अगर हमें अपना टाइम कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है हमारी जो अर्थ है ये हमारा रेवोल्यूशन 360 डिग्री में कंप्लीट करती है। रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ के जो आपका सन है उसके अराउंड एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये चक्कर लगा लेती है। ये नहीं हम स्फीयर का वो लेके चलेंगे, इसमें 360 डिग्री हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, और एक दिन जो है हमारा, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं हमारे, वन डे में 24 आवर्स, ठीक है, वन डे 24 आवर्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक डायग्राम से। देखिए ये हमारी अर्थ है, वी ऑल नो कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट करती है। तो हमने क्या देखा, जो वो एक रोटेशन है आपकी 360 डिग्री की होती है, एक रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे वो एक एक दिन में जो है 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स, राइट, ये ले सकते हैं हम। और हम क्या लिख सकते हैं, या फिर 1 आवर में, 1 आवर में 15 डिग्री जो है वो टिल्ट करती है या रोटेट करती है अदरवाइज। और 1 डिग्री, देखिए 15 डिग्री 1 आवर में और 1 डिग्री कितने में, 4 मिनट्स में। एंड वी ऑल नो कि जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब जब जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, हमने 1 डिग्री 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ा था कैसे था, तो जब हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अर्थ हमारी रोटेट करेगी तो एक एक डिग्री जब वो रोटेट करेगी तो कितना कितना टाइम इंक्रीज होगा, प्लस में 4 मिनट्स, ठीक है। 1 डिग्री आगे बढ़ी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री आगे बढ़ी, तो प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर करके आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जब हमारा ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आने लगेंगे, आपको पता है रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती है, तो प्लस फोर, अब जब हम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ आने लग जाएंगे तो हमारा माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर पर डिग्री हमारा होने लग जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं कि एक लोकल टाइम जो हमारा होना चाहिए फिक्स, तभी तो जाके हम एक मेजर करेंगे। तो हमने जो लोकल टाइम है वो क्या करा कि एक ग्रीनविच जो है हमारा, ग्रीनविच जो हमने जीएमटी एक लोकल टाइम ले लिया, उसमें हमने क्या किया, जो प्लेसेस हमारे ग्रीनविच हमने क्या देखा था, एक लोकल हमने लॉन्गिट्यूडनल लाइन देख ली थी, जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं, ठीक है, मान लो ये हमारी ग्रीनविच है एक जीएमटी, ये लोकल टाइम हमारा, जो ग्रीनविच के ईस्ट में प्लेसेस आएंगे वहां तो अगर हम मूव करेंगे तो टाइम जो है इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अगर हम ग्रीनविच के लेफ्ट में आते रहेंगे, ग्रीनविच के लेफ्ट सॉरी ग्रीनविच के वेस्ट में आते रहेंगे तो टाइम जो है हमारा डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। ये हमने जो है अपना वो किया था। देखिए अब हमने यहाँ क्या किया था, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जब जाएगी अर्थ तो 4 4 मिनट्स का इंक्रीज होता रहेगा पर 1 डिग्री में, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या सोचा कि एक तो स्टैंडर्ड टाइम लेना चाहिए, तभी तो उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही तो हम मेजर करेंगे कितना टाइम लगेगा, ज्यादा होगा कितना टाइम कम, वो हमने ग्रीनविच का ले लिया, नियर लंदन हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब जो प्लेसेस उसके ईस्ट में होंगे वहां तो टाइम इंक्रीज करता रहेगा, और जो प्लेसेस उसके वेस्ट में होंगे वहां टाइम जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, ई जी ए, ई जी ए का मतलब क्या होता है आपका, ईस्ट गेन एड, और डब्ल्यू एल एस का मतलब होता है वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट। ईजीए ईस्ट गेन, ठीक है, ईस्ट गेन एड, ईस्ट गेन एड, डब्ल्यू एल एस वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, राइट। अब देखिए अगर मान लो आपको लंदन में जो है नून में, आपको लंदन में जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, देखिए अगर आपको नून का टाइम देखना है तो लंदन में मान, लंदन है आपका 0.5 डिग्री वेस्ट, राइट, 0.5 डिग्री वेस्ट में, और लोकल टाइम मद्रास का उस टाइम है आपका
मद्रास का, मद्रास आपका क्या है, मद्रास आपका पड़ता है 80 डिग्री ईस्ट में, 80 डिग्री ईस्ट में मद्रास है और लंदन है 0.5 डिग्री वेस्ट। अब इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना होगा, देखिए लंदन वेस्ट में पड़ता है और मद्रास ईस्ट में पड़ता है, तो मद्रास जो है आपका ये ईस्ट में है, राइट। तो मद्रास ईस्ट में है तो ईस्ट का मतलब आपका ऐड हो जाएगा। अब हमने क्या देखा था कि 1 डिग्री जो है आपका 1 डिग्री पे कितना डिग्री का कितना होता है जो आपका इंक्रीज कर जाता है, 4 मिनट्स आपके इंक्रीज कर जाते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ से 0.5 डिग्री वेस्ट है तो 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 80 डिग्री को आप 4 से डिवाइड कर दें, राइट, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब जो भी आपका आंसर आएगा, आप ईस्ट में है, मद्रास लंदन के ईस्ट में है ना, तो आपको ऐड करना है, तो इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस निकलेगा दैट विल बी 5 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है, 5 आवर्स 20 मिनट्स इसका डिफरेंस निकलेगा। तो ये अहेड होगा लंदन से 5 घंटे 20 मिनट, जो कि आप कह सकते हैं 5 बज के 20 मिनट हो रहे होंगे यहाँ पर। सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल लें आपका न्यूयॉर्क का, लंदन आपने देख लिया था कि लंदन में आपका क्या है, आपका लंदन 0.5 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 0.5 डिग्री वेस्ट लंदन है। सिमिलरली अगर आप लेते हैं न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क है आपका 74 डिग्री वेस्ट, ठीक है, न्यूयॉर्क 74 डिग्री वेस्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 4 से इसको 4 से। अब वेस्ट में है, जब वेस्ट में कोई भी चीज जा रही है तो हमने क्या देखा था यहाँ पर, WLS यहाँ अप्लाई होगा तो मतलब यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब इसको आप डिफरेंस लेंगे तो 4 आवर्स 4 आवर्स 56 मिनट्स जो है ये लैग बिहाइंड करेगा लंदन से, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी सारे भी जो है अपना वो कैलकुलेट कर सकते हैं लंदन के उसमें वो करके, राइट। तो अब हम हमने यहाँ से ये तो देख लिया कि हम जैसे आपको लंदन का टाइम दे दिया, आपको इंडिया में कहीं का टाइम दे दिया, उसका वेस्ट डिग्री है, इसका नॉर्थ डिग्री है, तो ईस्ट या वेस्ट करके आपने उसको कैलकुलेट कर दिया। लेकिन आपको भी पता है हर कंट्री का सबने अपना अपना अलग अलग एक स्टैंडर्ड टाइम लिया होगा, राइट। तो इंडिया ने जो है अपना एक स्टैंडर्ड टाइम जो ऑब्जर्व करती है इंडियन कंट्री, वो कितना लिया उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम लिया है। इंडियन जो गवर्नमेंट हमारा फॉलो करती है वो करती है 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो जितनी भी पूरी हमारी होल वर्ल्ड है वो हमारा 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, जो कि डिफर करता है हर 15 15 डिग्री की लॉन्गिट्यूड में, एक एक आर के डिफरेंस में, जो कि ये एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जैसे कि आप लगा लीजिए यूएसए से आ रहा है कि लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये ऑलमोस्ट 165 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में जो है डिवाइडेड है और 11 टाइम जोन्स में ये है डिवाइडेड। तो जब 10 बज रहे होंगे मंडे नाइट को लेनिनग्राड में, तो ऑलमोस्ट 7 बज रहे होंगे 7 AM ट्यूजडे मॉर्निंग जो वहां पर है व्लादिवोस्टोक में, वहां पर 7 o'clock हो रहे होंगे, राइट। अब आगे डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपकी, जो आपका इम्पोर्टेंट आ सकता है। तो लेट मी का डायग्राम है आपको समझाने के लिए, हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए इसी को आप कंसीडर कर लेंगे, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। आपको पता है जब भी एक ट्रेवलर है, मान लो कोई ट्रेवलर है, वो ईस्टवर्ड जो है जाएगा तो वो गेन करेगा, हमने यहाँ पर नीचे किया था ईजीए, और अगर वेस्ट जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो WLS, ठीक है, वेस्ट लूज सब्रैक्ट, ये सब करेगा। अब हम क्या देखते हैं कि जब वो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएगा तो गेन करेगा, और ग्रीनविच से जब वेस्ट की तरफ जाएगा तो वो लूज करेगा, राइट। अब जो क्या होता है कि 180 डिग्रीज का हम ये कंसिडर करते हैं, तो हम 180 डिग्री का हम इसको लेते हैं। देखिए जब भी कोई ट्रेवलर है हमारा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाता है, तो मतलब 180 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएगा, तो ये 12 आवर्स अहेड हो जाएगा ईस्ट में, मतलब ऐड हो जाता है, 12 आवर्स अहेड हो जाएगा GMT से। सिमिलरली अगर ये ट्रेवलर ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाता है तो -12 आवर्स हो जाएगा GMT के उसमें करके। तो ये जो टोटल है आपका, ये जो दोनों डायरेक्शंस कवर करेगा, ये पूरा
24 आवर्स में ये लाइन जो है कवर कर लेगा, या फिर एक दिन के बीच में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ये लाइन होती है जब एक आपकी डेट जो है बदल जाती है, या फिर एग्जैक्ट बाय एक दिन से जो आपकी डेट बदल जाती है जब ये लाइन को क्रॉस करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से इधर, फिर इधर से जाएगा तो 12 घंटे प्लस हो जाएंगे, अगर ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो 12 घंटे ऑब्वियस सी बात है माइनस हो जाएंगे। तो इसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और जब ये डेट इस लाइन ये लाइन जो है आपकी क्रॉस होती है, तब आपके डे और नाइट का आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। जो टाइम होता है उस हिसाब से आपका वो कर जाता है वेरी। अब जो ट्रेवलर है, मान लो उसने इस डेट ऑफ लाइन को क्रॉस किया ईस्ट टू वेस्ट से, ईस्ट टू वेस्ट को क्रॉस करा मतलब एक दिन लूज कर दिया उसने। अब अगर वो ट्रेवलर जो है वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो मतलब एक दिन उसने गेन कर लिया, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो एक दिन गेन कर लिया उसने। तो इसी तरीके से अगर आपको ये आपको टाइम जो है आपको कैलकुलेट करना है, इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन को करके आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कनाडा है आपका, तो वो कितना अभी वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा, या फिर वो वहां पर क्या हो रहा होगा, तो हम देखेंगे कनाडा हमारे किस डायरेक्शन में पड़ता है। हमारा ग्रीनविच से हमने एक पर्टिकुलर टाइम ले रखा है, वो क्या कितना ले रखा है हमने, 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच हमने लिया हुआ है, ठीक है। या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट हमने लिया हुआ है। वहां से हम देखेंगे कनाडा की डायरेक्शन कहाँ पर है, फिर अगर वो ईस्ट में वेस्ट में है तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर ईस्ट में है तो हम उसको प्लस करते हुए आएंगे, और फिर उस टाइम का डिफरेंस निकाल के हम देखेंगे कि कितना आगे है, या फिर कनाडा हमसे कितना पीछे है, या फिर कहीं का भी आपको लेना है तो स्टैंडर्ड टाइम से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इतना आपका डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि क्या होता है, लॉन्गिट्यूड से कैसे आप मेजर करते हैं, लैटिट्यूड से क्या मेजर होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस, विंटर सॉलिस्टाइस, बाकी सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते थे वो बस यही थे। इतना डीप में आपसे कोई पूछेगा नहीं ज्योग्राफी के बारे में। तो जितना पॉसिबल था आपके पहले चैप्टर में वो मैंने आपको करा दिया है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। जो भी पॉइंट ना समझ आए आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको कराऊंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक दे दिया है इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर में क्या क्या था, ताकि आप जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, या आपको जब भी आपको क्वेश्चन देखे तो आपको पता रहे कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है और इस क्वेश्चन इस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आए। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं अगर उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ, ऑलमोस्ट सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनेंगे। एंड ट्रस्ट मी कि इस चैप्टर से अराउंड अबाउट 10 से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं, प्लस आ सकते हैं, जो कि रिपीट होते ही होते हैं आपके ज्योग्राफी में। ओके, सो टेक केयर, गुड लक, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।